गिरोह एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बेशक हर कोई अपने लिए स्नैक्स लेकर आया है। हालांकि हेली के पास रेचल से काफी ज्यादा है। अरे ये सही नहीं है, मुझे भी उतने चिप्स चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी अब तक फ्रेड के बारे बड़े कटोरे को नहीं देखा है। ओह क्या रहा, अरे किसी हाल में वो इतने सारे नहीं खा पाएगा, मेरे तो अभी से ही खत्म हो गए हैं। स्पष्ट रूप से फ्रेड समय से पहले ही सोच रहा था उस कटोरे के अंदर कितने पैकेट तुमने डाले हैं यार, जितने भी तुम्हें मिले। फ्रेड मेरे दोस्त, क्या तुम्हें थोड़े चिप्स मुझे नहीं देना है? हाँ और मुझे भी, माफ करना लड़कियों, लेकिन नहीं, यह केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है। अरे फ्रेड तुम कुछ तो दे ही सकते हो, तुम्हारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना फ्रेड, लड़कियों का मन बन गया है और वो तुम्हारे चिप्स को अपना चिप्स बनाने के लिए दृढ़ है। अरे क्या कर रही हो, यह मेरा है, छोड़ो, यह मेरे है, ध्यान रखना वरना गिर जाएंगे। देखा मैंने कहा था ना। खैर खैर, अगर तुम देने का मान जाते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता, और अब देखो क्या हुआ। सच में दुख की बात है, उफ, वो मेरे पसंदीदा थे तुम दोनों। तो पहले दौड़ का समय, हमारी तिकरी बहुत सारा खाना खाने के लिए तैयार है, खास करके फ्रेड जिसकी स्नैक को अभी चोरी हुई थी। फ्रेड चिंता मत करो, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, इतने कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या खाना है। पहले देखते हैं कि किसे कितना मिला है, तो चलो हमें दिखाओ। अरे यार फिर से मुझे सबसे कम मिला। हाँ हाँ लड़कियों, मेरे साथ न्याय हुआ है और निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है, और मुझे भी पहले जितना मिला है। तो क्या हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह नो, 3 प्लेट ब्रोकली, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना फ्रेड? ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यार, क्या तुम्हें ताजा सब्जियां नहीं पसंद है? इससे तुम्हें समझाया जा रहा है कि बड़ा मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता, यह ध्यान में रखना दोस्तों। रेचल चलो सबको दिखाओ कैसे किया जाता है। यह सच में उतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, उसे बहुत अच्छा है। हरी चीजें खाना बुरा नहीं होता, और जब ऐसी छोटी मात्रा में खाना हो। ओह तो लगता है मेरी बारी है। ओह यह बढ़िया है। वाह हेली, आज तो तुम पक्की शाकाहारी दिख रही हो, अपने खरगोश खाना का आनंद ले रही हो। उन चिप्स के बाद थोड़ा बदलाव है ना, शाकाहारी होने की सोच रही हो क्या? ठीक है फ्रेड, लड़कियों को तुम्हें हराने मत देना, उस पेड़ को खा जाओ। नहीं छी, मैं ये नहीं खा सकता। यह क्या है? यह है तुम्हारी सजा फ्रेड। यह उनके लिए होता है जो उनके सामने दिए गए व्यंजन को खत्म नहीं करते और चुनौती को खत्म नहीं करते हैं। सिर पर मारा जाएगा। अरे यार तैयार हो जाओ यार, रेचल और मैं जिम्मेदारी को हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। 1, 2, 3 और यह रहा। कोई बात नहीं फ्रेंड, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। सीधा काम पर आते हैं, कौन क्या खाएगा और कितना, किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्यार और चुनौती में कुछ भी जायज है। मुझे आशा है कि इस बार मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा कहना है कि यह जरूर हो सकता है या नहीं, सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। उन ढक्कनों को उठाने का समय आ गया है दोस्तों। सच में? सच में फ्रेंच फ्राइज? तो अब तुम्हें क्या कहना है फ्रेड, मुंह में पानी आ गया? ओह हाँ, इस तरह के खाने से तो मेरा मन खुश हो जाता है आखिरकार। सच में एक फ्राइज, यह तो कुछ नहीं मिलने से भी बुरा है। और दूसरी तरफ रेचल और फ्रेड को तो एक पूरी दावत परोसी गई है, बस अपने माता पिता को इस बारे में जानने तक नहीं देना, नहीं तो वो एक सप्ताह तक खाने नहीं देंगे। चलो खाओ, ठंडा होने मत देना। वाह फ्रेड, तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर लोगे? हाँ बेशक तुम कर सकते हो, और आनंद लो जितनी देर ले सकते हो, किसे पता आगे क्या होगा। अरे तुम क्या कर रही हो, हाथ दूर रखो, तुमने अपना खा लिया और अब चुपचाप बैठकर मुझे अपना खाते हुए देखो। स्वादिष्ट, मैं तो इसका दुगना भी खा लेता, क्या कहना है दोस्तों? तैयार हो या नहीं, तीसरे दौर का समय आ गया है। हर कोई उतना ही घबरा रहा है जैसे पहले दौर में थे, किसी को भी पता नहीं होता है कि किसे क्या खाना है और कितना, और इसी वजह से चुनौती दिलचस्प होती है। यह
ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी ना छूते, लेकिन चुनौती में करना ही होगा। इससे कोई नहीं बच सकता। या तो तुम खाओ या सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और कौन चाहता है कि सिर पर चोट लगे या उससे भी कुछ बुरा हो। चलिए देखते हैं सबसे नया व्यंजन, वह क्या है। सीवीड लग तो ऐसा ही लग रहा है। ची, यह तो बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या वह खाया भी जा सकता है? और यह बदबू। फ्रेड, तुम्हें शुरू करना होगा। तुम्हें बाकी दोनों के लिए ऐसे नए व्यंजन खाने का उदाहरण पेश करना होगा। देखा, उतना बुरा नहीं था। तो रेचल, तुम्हारा क्या ख्याल है? किसी को तो दंड मिलने वाला है। इस बार में डब्बे को क्या कहना है? क्या सिर पर एक अंडा? यह सही कैसे है? हैली और तुम खाओ। मैडम हैली, क्या हुआ? उठो। रेचल को पता है क्या करना है, और वह हैली बहुत दिनों से दोस्त है, और उसे पता है कि हैली अपने व्यंजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब चलो एक कागज के टुकड़े को निकालो। मुझे भी सिर पर अंडा मिलेगा? अरे यार। क्या किसी ने मुझे बुलाया? मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। और यह रहा एक, और यह दो। अब यह वास्तव में मजेदार हो रहा है। अब इन्हें थोड़ा मिला देता हूँ। कार्ड बांटना तो अच्छा होता है। संभावना हो सकती है कि सबसे अच्छा तुम्हें मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेड ने अच्छे से मिलाया है, और उसे भी नहीं पता कि किसे क्या मिला, और यह भी नहीं पता है कि क्या परोसा जाएगा, और इसलिए यह भी नहीं कि क्या मिलना बेहतर होगा, बड़ा या छोटा प्लेट। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। चलो देखो दोस्तों। वाह, एक बहुत चीज वाला कुरकुरा व्यंजन। वाह, यह शानदार है। इन तीनों में से एक तो बहुत खुश है, जो है हैली। उसके सामने उस पहाड़ को तो देखो, लाजवाब। बेचारा फ्रेड, उसे लगा था कि उसे बेहतर विकल्प मिला था, पर अब देखो क्या हुआ। यह अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। यार, अपने छोटे प्लेट का आनंद लो। आखिरकार वह कुछ जो मुझे खाना है। रेचल, चलो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खा सकता है। उन लड़कियों को खाते हुए तो देखो, वे सब कहाँ डाल रहे हैं। आखिर वह कैसे खा पा रही है? क्या तुम लोगों को सच में इतनी भूख लगी है? अब तो तुम चबा भी नहीं रही हो। देखो, फंसा मत लेना। अब जल्दी खत्म कर लो। जले पर नमक मत छिड़को। आज चिप्स और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कोई तौलिया नहीं हूँ, या कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों? बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। मुझे बड़ी प्लेट चाहिए। मुझे अच्छी अनुभूति हुई, और अब मैं दूसरों को अच्छी चीजें और नहीं देख सकता। माफ करना भले आदमी, पर इस बार सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरा होगा। मध्यम ठीक है, कम से कम मेरे पास छोटा नहीं है। यह कुछ तो है। हाँ, तो चलो देखते हैं यह किस तरह का भोजन है। हाँ, बिल्कुल वैसा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं। गैंग के लिए क्लासिक इटालियन डिश उपहार के रूप में मिला है। तुम सभी एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन की उम्मीद कर रहे थे, तो फिर यह है। पिज्जा से बेहतर कुछ नहीं। सभी खाने वाले को अपना एक स्टाइल होता है, और इस थोड़े थोड़े करके खाना सबसे बुरा है, है ना रेचल? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे। इससे भी बुरा हो सकता था दोस्त। फ्रेड, इतनी जल्दी क्या है? कोई भी तुम्हारे टुकड़े को तुमसे छीन नहीं लेगा। या फिर यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, और तुम रुक नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझसे और कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। हैली इधर उधर कोई गड़बड़ी नहीं फैलाना चाहती, और नैपकिन ठीक ढंग से लगाती है, और उतने बड़े से टुकड़े को बड़े प्यार से हाथ में संभालती है। तुम्हें हमारी शुभकामनाएं। उस बड़े से पिज्जा के टुकड़े को उतनी छोटी सी लड़की आखिर कैसे खत्म कर पाएगी? खुशी के साथ, और कैसे। सही कह रही हूँ ना हैली? रेचल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उफ रेचल, यह नहीं करना चाहिए था। नियम कहता है अपने हाथ को नियंत्रण में रखो, और उस विशेष नियम को तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। करो करो। क्या नहीं? एक चम्मच भरकर वसाबी? मैं तीखा भोजन नहीं खा सकती हूँ।
अगर तुम कर भी लेती तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। पर अच्छी बात यह होगी कि इसके बाद तुम किसी चीज को खाने से डरोगी नहीं, खराब से खराब चीज से भी नहीं। यह तीखा है, बहुत तीखा। इतने सारे अलग अलग खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम के लिए अच्छा समय होगा। बेशक किसी समुद्र तट पर थोड़ा टहल लेना या थोड़ा घूमकर अपनी कैलोरी को कम करना अच्छा होता, पर खेल अभी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं। Yes. प्रत्येक व्यक्ति किस कार्ड पर क्या प्रतिज्ञा करेगा, इस बिंदु पर एक रहस्य है। इससे पहले कि वे जाने कि उन्हें क्या खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। लगता है कि तुम सबकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह ट्रीट इतना ज्यादा है कि तुम सभी आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हो बिना किसी अन्य चीज की चिंता किए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेट में कितने हैं। हम सभी यहाँ दोस्त हैं और नियम साझा करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। और दोस्त किस लिए होते हैं, क्या कहती हो लड़कियों? मुझे लगता है कि आप अपने सभी संसाधनों को जमा कर लेते हैं तो फ्रेड बहुत आभारी और खुश होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? वाह, क्या सचमुच? क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल नहीं, वह सभी तुम सभी के लिए है। और इसी बात पर यहाँ कुछ दूध है। और सजदों, लड़के और लड़कियों, हम आपके लिए लाए हैं तरबूज, बड़े, मध्यम और छोटे आकार के। तुम अपना चुन लो। बेशक यह तब भी स्वादिष्ट होगा चाहे हमारे प्रतियोगी को जो भी हिस्सा मिले। अब कार्ड्स को मिला लो। पास आओ बड़े तरबूज, यह तो मेरे सिर से भी बड़ा है। तो हेली, तुम्हारा छोटा तरबूज कैसा है? यह मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, तुम बस दूसरे लोग से जल रही हो। वाह रेचल, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक फ्रूट निंजा हो? तुम्हारे कौशल की दाद देनी होगी। यस, यह इतना रसदार और स्वादिष्ट है। आराम से लड़की, नहीं तो तुम पूरा खा लोगी, वो भी छिलके के साथ। फ्रेड, क्या तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो? तरबूज सबसे बड़ा फल है और सबसे अच्छा भी। अरे हाँ, मेरा पेट पूरा भर गया। हमारे तिकड़ी के लिए फिनिश लाइन दृष्टि में है और आज के लिए बस ये आखिरी दौर बाकी है। और यह वादा करते हैं कि यह कुछ खास होगा। हम एक चुनौती को एक धमाका के बिना कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रैंड फिनाले के लिए टेबल पर क्या है? मिर्ची, इसे कहते हैं हॉट टेक। एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तुम सब तैयार हो? तो फिर शुरू करो। अब समय है लड़कों से पुरुषों को अलग करने का। यह इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। बहुत मजा आया फ्रेड। लड़कियों, मुझे उम्मीद है कि उसने तुम दोनों को डराया नहीं। हेली, तुम ठीक हो? पानी, पानी, अरे हम लोग पानी पी सकते थे, मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। यह आखिरी दौर है, यहाँ कुछ भी चलता यार। रेचल, मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन तुम यह कर सकती हो। यह मीठा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। किसने सोचा होगा कि मिर्च भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है? ठीक है, फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ, सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय।
चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है, और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी? यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि ये मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें? आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मड़ोर होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं, पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं, हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडौल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों, मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियाँ खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है। एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें।
पहले बर्गर फिर नारियल पानी, कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ, इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है, शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली यह आपको खुश कर देगा एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा, अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक, स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या, मेरे लिए यहाँ क्या है? जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भागशाली राउंड थे, क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो, मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ, पर तुम्हें पता है मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी, बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश, और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी, अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली, यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है, मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपने चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट, और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट, एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं, कोई शिकायत नहीं दोस्तों, बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है, और एशली क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त, एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया, अब आगे क्या है। तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है, और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो, और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी, कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, यह अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है, धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ, मेरे गले में यह फंस गया है। बेचारी चेल्स, मत से खानी हो। एशली तो अपनी चाय पीते पीते बोर हो जाती है अगर रायन और उसकी नई दोस्त ऐसे बिना बिताए नहीं आते। हे भगवान, ये ज़ॉम्बी है। हाँ तो क्या, तुम पहले कभी एक ज़ॉम्बी को नहीं देखा है? एशली, तुम तो स्वादिष्ट लग रही हो। नहीं एमा, हमने इसके बारे में बात किया था, किसी को भी काटना नहीं है, लेकिन वो कितनी स्वादिष्ट लग रही है। एशली तो जरा सा भी हिलने से डर रही है, कोई जल्दी एमा को कुछ खिलाओ। एक बड़ी, मध्यम और छोटे चम्मच तैयार रखो, यह चुनौती शुरू होने वाली है। धूल और कीड़े, ज़ॉम्बी इसके लिए एकदम सही डिश। यह तो अति उत्तम है, क्या मैं खाना शुरू कर सकती हूँ? छी, कितना गंदा। पहले हमें पता लगाना होगा कि हमारे प्रतियोगी को कितना खाना होगा। बेचारे रायन को सबसे ज्यादा मिला है,
एश्ली भी अपने मध्यम हिस्से से खुश नहीं है, लेकिन इन दोनों की तुलना एमा से नहीं की जा सकती है। हाँ? इतनी छोटी सी चम्मच, क्या कोई मजाक है? अरे यार, ज़ॉम्बी नियमों के हिसाब से मैं इसे अपने हाथों से खा सकती हूँ। ये क्या अजीब है, मीठा है, ये तो पुराने धूल और कीड़ों के जितना बिल्कुल अच्छा नहीं है, जरा सा भी करीब नहीं। छी, हर किसी को ये खाना होगा। एश्ली बहादुरी से एक कीड़ा उठाती है खाने के लिए। बेहतर होगा कि तुम अपने आँख बंद कर लो। ओह, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है, यह तो एक मीठा सा गमी वॉर्म है। एश्ली तो बहुत खुश है और उसके चेहरे को देखकर उसे काफी अजीब महसूस हो रहा है। रायन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है और वह आश्वस्त नहीं है कि कटोरे में जो है वह खाई जा सकती है या नहीं। लेकिन वो और गलत नहीं हो सकता था, ये खाई जा सकती है और इसे खाना भी चाहिए, तो उस बड़े चम्मच को निकाले और खाना शुरू करो। मेरे पास मेरा मध्यम आकार का चम्मच है, मैं बहुत सारा यह चॉकलेट डर्ट को उठाती हूँ। ओह, और एक स्वादिष्ट गमी वॉर्म के बारे में नहीं भूल सकती। मुझे तो अब लग रहा है कि अब एश्ली की भूख भी एमा की तरह हो गई है, लेकिन एमा इतनी भूखी है और वह रायन को भयानक कैंडी अपने मुंह में भरते हुए नहीं देख सकती है। रायन को तो पसंद है और इस तरह उसके लिए ज्यादा है खाने के लिए। ये बहुत ही निराश होने वाली बात थी, मैं उदास हूँ। वाह, एक कटोरी भरकर रामेन नूडल्स। ओह, इसकी गंध। एश्ली तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। एमा और रायन को आशा है कि उन्हें सबसे बड़ी चम्मच मिले। आशा है कि तुम दोनों को यही मिले। चलो देखते हैं। ओह, एश्ली को तो सबसे बड़ा चम्मच मिला है। अरे यार, मुझे सबसे कम खाना मिलेगा और मैं उम्मीद कर रहा था कि सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। इस छोटे चम्मच पर तो थोड़ा भी नहीं आ रहा है, यह बिल्कुल सही नहीं है। खैर, जो भी हो, थोड़ा सा सूप ही अच्छा है। इतनी निराशा वाली बात है, तब भी अच्छा है। अब मेरी बारी है, मुझे दो। आखिरकार अब मुझे वास्तव में खाने को मिलेगा। इसकी गंध तो अद्भुत है और ये कितने प्यारे कीड़े की तरह भी लगते हैं। हाँ, यह हुई ना बात, एक ज़ॉम्बी को चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है उन्हें रामेन देकर। जब तक एमा को उसे दी गई है, उसका आनंद ले रही है, तब तक एश्ली कोशिश कर रही है कि वह रो ना दे। चलो उदास मत हो, तुम्हारे आंसू से यह डिश और नमकीन हो जाएगा और यकीन मानो कि तुम यह नहीं चाहती। उफ जी, मैं यह नहीं कर सकती, मैं यह नहीं करूँगी। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सभी को चाहिए आइसक्रीम। लेकिन शायद ज़ॉम्बी एमा को छोड़कर उसने पहले से कभी नहीं खाई है। चलो शुरू करते हैं और कार्ड बांटते हैं, इससे पहले कि यह स्वादिष्ट चीज पिघल जाए। मुझे मध्यम मिला है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। एमा को बड़ा चम्मच मिला है और रायन को छोटा। हमारे दोस्त को अब जल्दी और ध्यान से अपना हिस्सा खाना है। हाँ, ऐसे ही, चलो मजा लो। आइसक्रीम तो अद्भुत होती है, स्वादिष्ट। एश्ली को हड़बड़ी नहीं है ये देखने के लिए कि एमा उस ठंडे डेजर्ट को कैसे खाएगी। देखो एमा, इंसान ऐसे खाते हैं। वाह, कितना मलाईदार और स्वादिष्ट। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस दौर में हमें इतनी स्वादिष्ट चीज मिली। ओह, यह वास्तव में ठंडा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बारी है, मैं अपने लिए ज़ॉम्बीज के लिए जो बेस्वाद सफेद चीज होती है वह ले लेती हूँ। ओह, तुम मजाक नहीं कर रही थी एश्ली, यह तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। ओह, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, कोई मदद करो। एमा जम गई है। एश्ली और रायन को तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। चलो जाओ और ज़ॉम्बी की मदद करो। हाँ हाँ, उसे जितना गर्म कर सकते हो करो। क्या यह काम कर रहा है? अरे, यह क्या बकवास है, क्या मैं नॉर्थ पोल में पहुँच गई हूँ? ओह, एमा वापस आ गई है, लेकिन उसने बाकी लोग को डरा दिया था। ओहो, लगता है कि एमा को वापस जमने का मन है और वो अपना हाथ आइसक्रीम की ओर बढ़ा रही है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है और ज़ॉम्बीज के लिए और आइसक्रीम नहीं। बस तुम रुको, मैं दोबारा अपने हाथों को इस ठंडे डेजर्ट पर लगाऊंगी। न्यूटेला को कोई ना नहीं करता है, और ऐसा कोई क्यों करेगा? हर कोई कहता है कि यह स्वादिष्ट है ना? खैर, यह इंसानों के लिए तो सच है, लेकिन ज़ॉम्बीज का क्या? शायद किसी तरह से धूल की तरह का होगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस कहो कि यह मीठा ना हो। रुको, ऐसे नहीं होता है एमा। ओह, तुम कितनी मजेदार हो, क्या तुम चम्मच के बारे में भूल गई? कार्ड्स मुझे दो, इस बार मैं तय करूंगी कि किसे क्या मिला है। पर मुझे क्या चाहिए, बड़ा, मध्यम या छोटा? अरे एमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ज़ॉम्बीज को भी नियमों का पालन करना होता है। ठीक है रायन, तुम अपना बड़ा चम्मच ले लो और खुश रहो।
और यह रहा मध्यम तुम्हारे लिए अश्ली, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों को कोई शिकायत नहीं है। मैंने फैसला लिया कि इस बार कोई जोखिम ना उठाओ, मैं इस छोटे चमच के साथ खुश हूँ चाहे जो भी हो जाए। अब समय आ गया है, खोलो इसे। जॉम्बीज न्यूटेला को देखती है और लगता है कि एमा सुखद आश्चर्य में है कि यह मानव उत्पादन उसके पसंदीदा स्नैक कीचड़ के समान है, देखने में स्वाद में नहीं, लेकिन इस मामले में वह डट से बेहतर निकली। एमा को वह चॉकलेट काफी पसंद आया। अरे एमा, तुम्हें अभी भी दूसरों के साथ शेयर करना होगा। एश्ली अपने मध्यम आकार के चम्मच से जितना हो सकता है उतना निकालने की कोशिश कर रही है। रायन धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है, उसे सबसे ज्यादा मिलता है, भाग्यशाली है वो। केवल वह बड़ा चम्मच उसके जार में समा नहीं रहा है। हाँ, खैर रायन, लगता है कि मैंने तुम्हें सही कार्ड दिया था। अरे एश्ली, देखो यह कितना मजेदार है। पर रायन हार मानने वाला नहीं है। क्या आपको पता है कि न्यूटेला हाथ से खाया जाने वाला खाना है? रायन को ऐसा ही लगता है। ओ हाँ, यह चम्मच का उपयोग करने से भी बेहतर है, स्वादिष्ट। रायन, तुम्हारा चेहरा न्यूटेला से ढका हुआ है। अच्छी चॉकलेट की दाढ़ी, आई बॉल और कॉकरोच। खैर, यह तो ज़ॉम्बीज के लिए सुभोजन होता है, पर यह रायन और एश्ली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कृपया मुझे कोई बताओ कि उस कटोरे में कुछ सामान्य और खाने वाली चीज हो। रायन को यह देखकर बहुत घबराहट हो रही है कि उसके कौन सा कार्ड मिला है। मध्यम। एश्ली को भाग्य से छोटा मिलता है और एमा बड़ी विजेता है। वह बड़े चम्मच के साथ उस डिश पर हमला करेगी। यहाँ यह लो एश, आई बॉल। हाँ, हे भगवान, क्या यह मेरे मुँह में है? हाँ, यह अच्छा है ना? बस चबाओ और निगलो, वास्तव में जल्दी चबाओ और निगल लो। छी, अब मैं इसे भूल जाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी कोई चीज खाई है। ओ भगवान, नहीं, मुझे इस प्रदर्शन को दोहराना होगा, वह भयानक था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह बहुत अच्छा है। रायन आश्चर्यजनक रूप से इस आईबॉल को खाने में सक्षम है। यह ऐसा होगा वह किसी ने नहीं सोचा था, खास करके एश्ली ने। वो अभी भी अपने चम्मच को नीचे रखने की कोशिश कर रही है। एमा हालांकि काफी उत्साह से उस सारे बचे हुए खाने पर अपना दावा कर रही है। उस आईबॉल और कीड़े को देखकर उसके जीव में पानी आ रहा है। अरे नहीं, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ओ, एमा ने पूरे चम्मच भरकर उस ज़ॉम्बी स्नैक को मुंह में डाल लिया है और रायन और एश्ली सदमे में है। क्या ऐसा करने के लिए उसने अपने जबड़े को बड़ा कर लिया था? उसने उसे चबाया भी नहीं और वह खत्म भी हो गया। इस मकरी को मेरे पेट में आने का रास्ता खोजना होगा। अब यह क्या है, एक कटोरा खून? एश्ली हमेशा की तरह बाहर निकलना चाह रही है और रायन का भी कुछ ऐसा ही विचार है, पर एमा के हिसाब से चीजें अब अच्छी हो रही है। अब यह बहुत ज्यादा हो गया, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, यह वास्तव में जिसे बड़ा चम्मच मिलेगा उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। अरे एमा, सपने से बाहर निकलो। अरे हेलो, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरे पास क्या है? हाँ, बड़ा चम्मच, वाह, मैं इसे खत्म करने जा रही हूँ। एश्ली ज़ॉम्बी से ज्यादा नहीं खा पाएगी, जिसका अर्थ है कि रायन राहत की सांस ले सकता है। उसे केवल एक चम्मच ही खाना होगा। क्या हम इसे पहले ही कर लेंगे? रायन बस उस लाल पदार्थ को अपने चम्मच पर थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा है। एश्ली भी इससे दूर नहीं जा पाएगी। एमा थोड़ी हैरान है कि रायन वास्तव में ऐसा कर रहा है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं डर रहा था। यह तो बस साधारण टमाटर का पेस्ट है, लेकिन मैं एश्ली और एमा को यह नहीं बताऊंगा, उन्हें खुद ही पता लगाने दो। एश्ली अपनी इच्छा शक्ति की अपनी आखिरी बूंद को और अपने हाथ के मध्यम चम्मच को एक साथ इकट्ठा किया है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि जितना उसे खाना है खा ले, हालांकि वह बहुत ज्यादा नहीं है। उसके मुँह की ओर एक निर्णायक कदम और छी, नहीं, बस नहीं, मैं नहीं कर सकती। यह एमा इस धारणा में है कि अगर एश्ली को यह पसंद नहीं आए तो उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे इसे खत्म करने की अनुमति दो, और इसके लिए मेरे पास अपना सुपर साइज का चम्मच है। ओ, मुझे आखिर का लाल लाल खून दिखाई दे रहा है। लगता है एमा के ऊपर कुछ सवार हो गया है। क्या वह कार्य पूरा कर पाएगी? वह बस खाना शुरू कर दी है। हाँ, रायन वह इस पूरे कटोरे को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। कुछ ऐसा जो तुम्हारे और एश्ली के लिए काफी कठिन है, पर एमा के लिए पार्क में टहलने जितना आसान है। बहुत बढ़िया, क्या कुछ और है? ग्रैंड फिनाले में चमकीले बहुरंगी स्वादिष्ट M&M शामिल होंगे। इस दौर में एश्ली बड़े चम्मच के साथ आना चाहती है। रायन भी ना तो नहीं कहीं कहेगा, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एमा को पसंद नहीं आएगा। यह छोटी कैंडी कीड़े और खून से काफी दूर है, तो वो उसे कैसे पसंद आएंगे? अब यह देखने का समय है कि किसे क्या मिलेगा। इसे अच्छे से मिलाओ एमा। इस आखिरी दौर में हमारी हमेशा की भूखी ज़ॉम्बी वास्तव में छोटा चम्मच पाने के लिए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को क्रॉस करके है। तुम भाग्यशाली नहीं निकली एमा, वो कार्ड एश्ली को मिल गया है। चुनौतियाँ उनकी निष्पक्षता के लिए नहीं जानी जाती हैं, आपको पता ही है।
रायन को बड़ा चम्मच मिल गया है, इसका मतलब है एमा को उससे ज्यादा कैंडी खाना पड़ेगा जितना कि उसने योजना बनाई थी। अरे यार यह चम्मच तो बहुत छोटा है, पर मैं इसे भरने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। देखो अब मुझे सावधान रहना चाहिए नहीं तो ये सभी गिर जाएंगे। ओह, और एमा के द्वारा किया गया एक आकस्मिक टक्कर से सब गड़बड़ हो गया, पर एस्ली उसे रोकने नहीं दे रही है। उसके और कैंडी के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। क्या एमा M&M के लिए अपना प्यार दिखा पाएगी? कुछ मुझे बता रहे कि ऐसा नहीं होने वाला है। छी, ये तुम लोग कैसे खाते हो? एमा, तुम अच्छे भोजन के बारे में कुछ नहीं समझती। ये मेरे पसंदीदा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। जानकारी मिल गई, M&M ज़ॉम्बीज के लिए नहीं होते हैं, पर रायन के लिए हाँ। भाग्य मेरे साथ है, मैं इन सबको पूरा खा जाऊंगा। कितने शर्म की बात है कि एश्ली को एक मिला, एमा ने उसे ऐसा ही काट दिया। लेकिन नियम एक कारण से है और इसलिए उन्हें अपने पूर्व निर्धारित भागों के साथ निर्धारित करना पड़ा। चुनौती पूर्ण।